बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सारे भैन भरा खैर खरीद ना होंगे ते अल्लाह ताला तुम सारे हमेशा खुश ते आबाद रखे और इस तरह हंसते मुस्कुराते रहो। इस दुआ के नाल असी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं ते नाल असी सारे भैन भरा अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि साड़ी वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि असी इस दुख की घड़ी मुसीबत की घड़ी सारे अपने भैन भरावों के जेड़े साढ़े ना कल का तावन किया, सानू अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए, सानू अपनी दुआओं से याद किया, असी शुक्रिया अदा करते हैं। सारे जितने भी साढ़े पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क जिन्हें भी आउट ऑफ कंट्री रेंदे सारे भैन भरा असी उन्होंने मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने साड़ी इन्नी यानी कि साढ़े बारे च साढ़े वालिद साहब वास्ते मेरे अब्बा जी वास्ते जड़ा ना वो दुआ की और उन्होंने वास्ते नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो जल्दी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए तो मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करदा। तो हूँ असी क्योंकि मैं कला वा तो मेरे वालद साहब इस पोजिशन च नहीं है, मेरे बच्चे भी छोटे आ ते कि असी जड़ा ना असी इस दे बावजूद भी जड़ा असी अपने वालदां दा प्रॉपर ख्याल रखते हैं। अम्मी जी नूं मुल्तान भी लैके जाना ते वो भी बीमार हैं, उन्होंने भी फल उन्होंने भी जड़ा ना कैंसर का मसला वा, अब्बा जी नूं फालज का अटैक हो गया। असी इन्नी दुख तकलीफ चा कि असी मेरे को जड़ा ना वो बयान नहीं हो पा रहा कि मैं अल्लाह ताला सानू इस मुसीबत इस दुख की घड़ी च जड़ा ना सानू काढ़ दे। ते असी मैं हुण बस कि मेरे को ज़्यादा गल्लां नहीं होंदियां ते मैं ना ही जड़ा ना कुछ कह सकता क्योंकि पता नहीं अब्बा जी हुणी कदों ठीक होणगे कदों नहीं। ते अल्लाह ताला बेहतर जानता वा ते उधर अम्मी जान भी ठीक नहीं है ते हुण इहदे नाल जिहड़ा असी असी हुण अपने भैन भरावां तों बस यही कहना चाहते कि साडे लई बहुती तो बहुती दुआ करियो। बस असी जड़ा ना होर कुछ नहीं कह सकते है, साड़ी अल्लाह ताला कोल ही दुआ कि अल्लाह ताला सानू इस मुश्किल घड़ी चो जल्द अज जल्द जड़ा ना वो कढ़ दे। सुमेरा मैं कहना कि जूस बना तो सुमेरा जूस बनाती है, फिर अब्बा जी ने जूस देने तो उस तो बाद फिर थोड़े जे वक्फे के ना दो तीन घंटे तो बाद असी जड़ा ना वो करते हैं, उन्होंने अब्बा जी ने खुराक देनी होंगी है दूध देना होंगे वो दिने तो फिर उस तो बाद कोई ना कोई सूरत हाल जी है ना जो भी बेहतरी हो तो असी अपने भैन भरावों ने शेयर करा। अच्छा भी ये अब मैं अब्बा जी के लिए बनाने लगी हूँ सेब का जूस। तो इस तरह सारा छान लेंगे, अब हूँ जी असी अब्बा जी नूं दुध देन लगे हैं तो खुराक का टाइम हो गया तो ये तीन चमचियाँ जिहड़ियां ना अद्धे गिलास च पाउणियां अदन दे मार कहिंदे छोटे होंदे मम्मू असी भी पींदे रहे अगे हुण बैठ के दसदे रहे सारियां गल्लां होर चीज ओ असी पीरे छोड़ पींदे सी आ मटकी ने दस्या मैनूं मटकू चलो हूँ जी असी इनू जरा चमची के नाल मिक्स कर दें। सब तो पहले तो जरा ना अद्धी जी है ना यानी कि
खाली जी सादा पानी जरा ना नाली के जरिए जी मंगा दुध दियां दो स्ट्रिंजां जिहड़ियां ना अब्बा जी नूं दवांगे खुराक इस दिन नाली दे जरिए जिहड़ी ना असीं दिंदे आ क्योंकि वैसे तां अब्बा जी मूंह दे जरिए तां कोई चीज़ खा नहीं सकदे हैगे सही इत्थे साडे ना सेन च चंगी धुप्प आ हाँ पसीना आया चाचू नजर आ रहा क्योंकि उ हस्पताल से सर्दी सी छां सी रहना बहुत सर्दी सी उत्थे कंबल हर टाइम कंबल च फिर कंबल ना भी सर्दी नहीं सी रुकती फिर घरों रजाई लैके गए सही भाई यासब नु आख्या कि रजाई लैके आओ लै गए मोटरसाइकिल हाँ मोटरसाइकिल ते लै गया सी रजाई लै गया सी नहीं आ बेहतर कीता जेड़ा घर आ छुट्टी मिल गई है ना दूध दे के उत्तों फिर एक सिरिंज पानी दी देनी है ताकि नाली साफ हो जाए ठीक है ना हूँ जरा ना तरीकाकार ये है कि दवाई देने तो बाद ना छोड़ दे हम जब परे हट दवाई दे देती है अब्बा जी ने इतना फड़क रख हम जा फड़क रख अब्बा जी हूँ ना इस तरह थपकियाँ देनी है अच्छा बच्चे हाँ साहब हूँ डॉक्टर कहता भी जरा ना तुसी थले तो ले के ऊपर तक जरा ना थपकियाँ दो सही इस तरह एक्सरसाइज करनी है ते ओ, फिर असीं इस तो बाद जेड़ा ना मालिश करांगे जैतून दे तेल ना ठीक है ना अब्बा जी दी जी सब्जी मैं बाज़ार से लेके आ गया हूँ तो काफ़ी दिन मैं घर नहीं था क्योंकि अब्बा जी के साथ हॉस्पिटल था इसलिए बहुत बड़ी मजबूरी भी थी क्योंकि एक तरफ तो अब्बा जी बीमार थे तो उनके साथ रहना उनकी खिदमत करना उनकी देखभाल करना ये मेरा फ़र्ज़ था और मैं इसलिए जो है वो वीडियो नहीं बना सका। अच्छा ये आलू मटर शोरबे वाले बनाएंगे। ये अदन बिटिया कह रही है कि मैंने पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ रही हूँ तो आप अपना काम जारी सारी रखें तो आप अपनी वीडियो खुद बनाए इतना दिन मैंने बनाई है पापा का नहीं था तो मैंने अपना होमवर्क करना है अपना काम खुद करें तो चलो ठीक है बेटा हम अपना जो काम कर रहे हैं वो करते हैं आप अपना करें पढ़ लिख के माशाल्लाह बहुत बड़ा अफसर बनना है तो ये मेरी दुआ है। अच्छा जी आलू मटर बनाने हैं थोड़े से शोरबे वाले तो शोरबा गाढ़ा करने के लिए मुझे ये लहसुन प्याज टमाटर मिर्च सब चीज़ों को थोड़ा सा बॉयल करूँगी। एक टमाटर हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के कुकर में डाल ली हैं और प्याज भी तो अब ये लहसुन भी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको करूँगी पहले थोड़ा सा बॉयल क्योंकि लहसुन प्याज हर चीज़ का अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला बन जाए तो फिर इसको अब रखते हैं चूल्हे के ऊपर क्योंकि मुझे जल्दी है अब्बा जी भी घर में है लहसुन प्याज कुकर में बॉयल करूँगी जल्दी हो जाएंगे वैसे बहुत टाइम लगता है तो अब जला दूँगी चूल्हा मुझे आटा भी गूंदना है शाम हुई है काफ़ी तो ये आलू भी काट लूँगी। आप इस तरह करें ना कि मैं अब्बा जी की जो है वो क्या कहते हैं वो एक्सरसाइज मैं अब्बा जी की एक्सरसाइज करवाता हूँ बैठ के तो आप थोड़ा बहुत जो कोई सीन रहते हैं वो खुद ही जो है ना वो मटर भी निकाल के रखे हुए अच्छी तरह धो भी लिए आलू भी सारी चीजें मैंने तैयार कर ली हैं धनिया भी काट के रख लेती हूँ तब तक लहसुन प्याज बॉयल। चलो बाकी अगर कोई हेल्प की जरूरत हुई तो उमार बेटा है बाहर खेल रहा है गली में ठीक है ना उमार को कह देते हैं ठीक है तो उमार आपके साथ जो हेल्प करेगा ठीक है तो मैं अब्बा जी के पास बैठता हूँ तो चलें। अभी अमरूद कच्चे हैं और जानवर जो हैं वो उन्होंने अमरूद खाने भी शुरू कर दिए तो ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जो अमरूद को काट कर देते हैं और अभी तो बहुत कच्चा फल है लेकिन इन परिंदों को कौन समझाए किस तरह तबीयत हूँ।
बजी जो है वो बोल नहीं सकते तो कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब्बा जी को जो है ना वो क्या कहते हैं, ये दाई साइड फालज का अटैक हुआ है, तो ये सारी दाई साइड मुतासर है। भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, ऐसे जो। तो उमर बेटा दादाजी से जो है वो मक्खियाँ उड़ाओ। हाँ जी, ऐसे पंखा नहीं लेके आना क्योंकि पंखे से सर्दी लगेगी। अच्छा भी ये देखिए लहसुन प्याज बिल्कुल अच्छे से नरम हो गया है, चूल्हा जला देंगे, ये थोड़ा सा पानी है खुश्क हो जाए, फिर इसमें सूखे मसाले डालने को कुकिंग ऑयल। मैं तो जब जल्दी ऊपर में ही लहसुन को प्याज को बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि शोरबे वाला सालन अच्छा लगता है। अच्छा भी पानी खुशक हो गया, अब इसमें ये डालते हैं सूखे मसाले, साबुत मसाला है, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कुटी काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डालते हैं। अब करते हैं मिक्स। ये सालन जो है वो हम अपने लिए बना रहे हैं, तो अब्बा जी के लिए नहीं, अब्बा जी को तो सिर्फ हम दूध देंगे, बस दूध और जूस, और ये अब्बा जी को नहीं हम यानी कि रोटी नहीं दे सकते। तो यखनी वगैरह भी नहीं देनी ना अभी, कुकिंग ऑयल भी मैंने डाल दिया है। अब इसके अच्छे से मसाले की करेंगे बुनाई, फिर इसमें डाल देंगे सब्ज़ी। अच्छा भी मसाले की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, अब इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर जो हमने निकाल के रखे हुए और आलू। अब इसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे। अब धूप ख़त्म हो गई है, तो अब्बा जी की जो चारपाई है वो कमरे में करते हैं। अच्छा जी, हुण धूप ख़त्म हो गई है, तो हुण अब्बा जी की चारपाई जिहड़ी है ना चक के असीं अंदर रखते हैं, तो इत्थे बाहर मैं रजाई तां दे दित्ती सी लेकिन हुण ठंड हुंदी जांदी है, तो हुण असीं जिहड़ी है ना मंजी अंदर रखांगे, तो नाले जिहड़ा अंदर ही जिहड़ी है ना उह सेवा वगैरह करांगे। तो चलो हम चकते हैं मंजी। अच्छा भी इसकी अच्छे से बुनाई मैंने कर ली है मटर और आलूओं की, ये देखिए ऑयल भी अच्छे से सूख गया है। अब इसमें डालते हैं पानी क्योंकि हम शोरबे वाले खाएंगे सालन। ये देखिए इस तरह अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा बन जाएगा, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। चलिए अब इसे कवर कर देंगे। सालन तैयार हो गया, इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था और कुटा हुआ मसाला भी, कुछ मेहमान आ गए थे भाजी का पता करने तो फिर हम नहीं दिखा सके तो मैंने डाल दिया था। तो अब मेहमानों को खाना भी देते हैं। मेहमान कौन है, हमजा और बाजी और आम में बस। है जी, इधर ने जराब कट के ना उदा सूट देखो बनाया, मैं तो हैरान रह गया, ये बेटी दी जेड़ा ना इन्हें किन्ना यानी कि तैयारी की हुई है गुड्डी की। वाह, दुपट्टा उतर गया।